हाय, आज है बर्थडे भाई। हमारी बहन का बर्थडे है आज, तो मैं आई थैंक यू थी विश सो करने के मच। लिए, तो हैप्पी और चार बर्थडे। पांच बार कॉल करके तभी ने मैडम को बुलवाया, मैंने ना खुद ना से ना, मैं आ बोला। रही थी, मैं आ रही थी, बर्थडे और विश आप करने बिजी आ रही हो गई थी थी। बहुत ज्यादा, संडे है, बहुत सारे काम होते हैं, इनको आज छुट्टी है ना, तो मैं सोचा कोई बात नहीं, तसल्ली से बोल देंगी, बाद में बुला लेंगे, तो ना, साथ मैंने में घर व्हाट्सएप में पे आपको करते सुबह ही हैं। मैसेज कर दिया था, इधर आ हाँ, जाओ, आप इधर आओ। क्या क्या गिफ्ट दोगे तुम लोग? चल रे, बाहर से उठा के ला चिमटा, चिमटा चपत। मतलब इतनी बड़ी हूं मैं, मुझे चपत दोगे तुम? चपत को नहीं कही मैंने, चिमटे को कही चपत भी गिफ्ट में दिया जाता, अच्छा तो मैं भी दे दूं ये फिर। एक स्पेशल गिफ्ट होता। अच्छा गाइस, वेलकम टू रीना सोर्स ब्लॉग। तो सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बट मेरी कुछ टाइम से आप लोगों ने देखा तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, तो फीवर वगैरह फिर से आ गया था मुझे, मतलब रात में भी आ गया था, तो मैंने मेडिसिन ली, अब थोड़ा ठीक हूँ। और अभी मैं मतलब थोड़ा, आज जैसे संडे है तो मैं थोड़ा लेट ही उठी थी सो के, और अभी मैंने चाय नाश्ता किया है थोड़ा सा। और आज है कुछ स्पेशल डे, और स्पेशल डे क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा सा उसके लिए आप लोगों को ब्लॉग वॉच करना पड़ेगा। और ये देखो, दो लोग पड़े हुए हैं, ये दोनों नालायक सुबह से फोन में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं शायद। ओए चलो, मुझे बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, अपने मुंह से बोलना पड़ा। थैंक यू, अपने मुंह से बोलना पड़ा। देखो, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। ये अंकित ना, अंकित ने तो मतलब, मैंने तो इससे मैसेज करके भी बोला, ओए मेरा बर्थडे विश कर, तब भी नहीं किया इसने। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, बर्थडे पे मुझे क्या क्या गिफ्ट दोगे तुम लोग? चल रे, बाहर से उठा के ला चिमटा। चिमटा चपत। मतलब इतनी बड़ी हूं मैं, मुझे चपत दोगे तुम? चपत को नहीं कही मैंने, चिमटे को कही। चपत भी गिफ्ट में दिया जाता, अच्छा तो मैं भी दे दूं फिर। एक स्पेशल गिफ्ट होता। अच्छा हाँ, खाली बॉक्स लाया जाएगा, क्या इसके अंदर क्या है? चपत। जैसे खोलोगे ना, वो गाल पर लग जाएगा, दिखाई नहीं देता। वो वाली वीडियो देखी था ना, कि एक पार्सल वाला आवे तो लड़कों दे, नहीं आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा, सिग्नेचर करो। देखो कितने सारे ऑप्शन दे रहे, मतलब गिफ्ट के नाम पे मुझे चपत देंगे। तुम्हें सिग्नेचर करने पड़ेंगे पहले, फिर मिलेंगे दो। ठीक है, तो फिर एक चपत दोगे तो दो चपत तो बेटा मैं भी दूंगी तुम्हें। सो हाय, आज है बर्थडे भाई। हमारी बहन का बर्थडे है आज, तो मैं आई थी विश करने मच के लिए, तो हैप्पी बर्थडे। और चार पांच बार कॉल करके तभी ने मैडम को बुलवाया, मैंने खुद से ना, 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 बुला। मैं आ रही थी बर्थडे विश करने। आज बिजी हो गई थी बहुत ज्यादा, संडे है, बहुत सारे काम होते हैं, इनको आज छुट्टी है ना, तो मैं सोचा कोई बात नहीं, तसल्ली से बोल देंगी, बाद में बुला लेंगे, तो ना, मैंने व्हाट्सएप पे आपको सुबह ही मैसेज कर दिया था, इधर आ जाओ, आप इधर आओ। तो व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज सुबह ही कर दिया था, अभी थोड़ी सी मैं सोच रही थी थोड़ा काम करके ना तब चलू मैं बर्थडे विश करने के लिए। तो आज बच्चे आ रहे हैं ना, तो हम लोग उन्हें देख रहे थे, तो बर्थडे है आज, सब लोग आ जाओ, पार्टी तो आज है, पार्टी है, तो पार्टी है, सब लोग आ जाओ बर्थडे में। और आए हैं, नितिन भी आए हैं, निधि भी आई है, मतलब हमारे नंद के बच्चे हैं, तो वो सब भी आए हैं मौसी जी के बर्थडे पे। तो मैंने सोचा, मैंने झटपट काम किया, मैंने कहा चलो पहले लाइव जाकर सबके सामने विश तो कराती हूँ, वैसे पर्सनल वाला विश तो चलता ही रहता है। तो भाई अगेन हम लोगों को साथ आप लोगों ने देख लिया है, तो बताओ भाई क्या तैयारी मौसी बर्थडे की? बर्थडे की तैयारी देखते हैं, अभी तो कहीं जाओगी शायद? हाँ तो भाई कहीं जाओ भाई सेलिब्रेट करने, ऐसे घर घर में, घर घर में यार बोर हो जाते हैं, कहीं चले ही जाना है ना, देखते हैं। और हाँ होता है? मेरा तो थोड़ा सा बिजी रहेगा, तो यही सब। जाओगी या? हाँ मेरा थोड़ा सा ऐसा ही है, मेरा एक और प्रोग्राम है, तो मैं उसे करती हूँ, फिर करेंगे एंजॉय। आपके 10 के होने वाले ना, उस वाली पार्टी में रहूंगी। अच्छा। सही है ना? तो भाई अब ये लोग, आप शाम वाले ब्लॉग में, एक दूसरा ब्लॉग हो जाएगा, मे भी ये तो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप दूसरे वाले ब्लॉग को भी जरूर देखना, उसमें मौसी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, जहां भी सब लोग जाएंगे शायद से कहीं बाहर ही जाएंगे। तो अभी मैं आई थी बस विश करने, और बाकी सब जो है रूमिंग की, जो कूलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठंड लगने वाली है भाई, ये शिमला बना रखा है इन्होंने अपना रूम, शिमला बना बच्चों रखा बच्चों में। ने इतना रूम में तो नॉर्मल चलती है फिर भी, लेकिन हाँ, इसमें तो भाई बहुत ठंडा है, बड़ी कूलिंग कर रखी है। मैं तो कह रही मैंने कहा पूरा शिमला ही बन रहा है यहाँ पे। तो भाई आप लोग भी विश करना, और आप लोगों की दुआएं से जो थोड़ी सी तबीयत भी है मौसी जी की ठीक है, पहले से थोड़ी बेटर है ना मौसी? थोड़ी बेटर पहले से। हाँ आप सबकी विशेष से, और जो है फिर अभी तो यहीं आप लोग मुझे देख पाओगे, तो अभी थोड़े से और दिन बाद मेरा भी ब्लॉग
वो होगा, पर सच्ची में ये काम जो है ना ये बड़ा प्रोफेशनल है, अगर कोई हमें बंद कर देना इस काम को तो बहुत मुश्किल है। मेरे साथ बहुत मुश्किल हो रही है, सामने फोन रखा है, कुछ चीज नहीं डाल सकती, कुछ वो नहीं कर सकती हूँ अभी भी, तो बहुत डिफिकल्ट है। मुझे ऐसा लगता था कि जो ये यूट्यूबर्स होते हैं उन लोगों को कैसे कहते हैं कि 7 डेज के लिए मना कर दिया तो वो परेशान होते थे, भाई 7 डेज ऐसे ही चले जाएंगे, पर वाकई में 7 डेज ऐसे नहीं जाते। अगर कोई चीज आपको बैन कर दे कि हाँ 7 दिन तक आप ये काम नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारी थोड़ा ना दिन में शुमार हो गई है हमारी ये चीजें, तो हाँ। वो आप लोगों के प्यार की वजह से भी हुई है कि आप लोग हमें साथ में पसंद करते हैं। आप लोग भी अगर ऐसा मतलब स्टाइल वगैरह का अगर कुछ है तो आप लोग भी मतलब चाइल्ड के लिए ऐसा कुछ वीडियोस वगैरह ना डालें। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, स्टाइल मिल जाता है जो न्यू यूट्यूबर है उनको नहीं पता है, जैसे इनके साथ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हाँ, मतलब ये वॉयलेशन हो जाता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है यूट्यूब के जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो वो लोग बैठे हैं देखने के लिए। ऐसे तो भाई कोई भी आए और डाल दे वीडियो वैसे नहीं, बहुत चेक होती है वीडियोस। अब एक बार गलती हो गई है तो फिर पता लग गया है ना, फिर से नहीं होगी। हाँ, तो अब वो दोबारा तो बिल्कुल होगी नहीं गलती उस तरीके की। तो चलो अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो मौसी मैं चलूं है? अभी कहाँ जा रही हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी, कौन करेगा फिर भाई, ऐसी तबीयत खराब है मेरी, इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, तो चलो भाई मैं देखती हूँ, मिलूंगी थोड़ी देर बाद, अभी मौसी जी के ब्लॉग में आप लोग मिलना। तो चलो मिलते हैं अभी। ओके, तो चलिए चलते हैं अब ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा आज मेरा बर्थडे है, तो आप लोग भी विश कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, देखते हैं कौन कौन करते हैं विश। और धूप हो रही है, परमिशन दे रखी है आप लोगों को, और धूप निकल रही है बहुत ज़्यादा, और अभी हम शॉर्ट्स वगैरह नहीं बना सकते, कुछ टाइम से नहीं बना रहे हैं क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और मीनाक्षी के भी थोड़ा सा चैनल पर थोड़ा सा स्ट्राइक है, अटक चल रही है। चलो हो जाएगा वो भी, और थोड़े दिन की बात है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा वो भी। तो बस मैं आ रही थी ऊपर, जो हमारा रास्ता है जाने के लिए, मौसी जी भी पीछे पीछे आ गई, कुछ कपड़े उतारने के लिए आई, कपड़े डाले हुए हैं, नीचे भी गिर गए कुछ, मैंने सोचा वो उतार के ले आऊं, तो गर्मी है बहुत ज्यादा, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। हवा बिल्कुल नहीं चली, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, बिल्कुल उमस हो रही है, नीचे आया ना तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। मौसी जी के ब्लॉग को बहुत ज्यादा प्यार करो, सारे लाइक करो वीडियोज को, और पूरा वॉच करो, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट वॉच करो इसको, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोगों को चीज दिखाऊं, मैं ले जा रही हूँ मिर्च छत पे से तोड़ के, खाना खाने का टाइम हो गया तो मैं जा रही हूँ। सिर्फ एक ही मिर्च से काम नहीं चलेगा, और भी ले जाओ, वैसे एक ही मिर्च बहुत है, बहुत चटपटी है। हाँ, मुझे लग रहा था ये, ठीक है तो फिर मौसी यार मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप लोग मेरे को जानते हो कि मैं बहुत सारे ब्लॉग मार चुका हूँ मामी के, तो आज आया हूँ मैं मामी के घर पे, क्योंकि आज मामी का है बर्थडे, मैंने सोशल मीडिया पर तो बिस्कर दिया है, वैसे नहीं किया अभी तक, तो ये मुँह फुला के यहाँ पे बैठी हुई है, और इनको बिस्कर कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे मामी। थैंक यू सो मच। तो यही मैं ही रह गया था, वो सबने बिस्कर दिया था इनको, सब लोगों ने बिस्कर दिया है, बस नीति ने मुझे मतलब फेस टू फेस सामने से बिस्क नहीं किया, चलो सब बिस्क।